तेरे सदके मेरी सारी जिंदगी। गाजरा गाजरा वे गाजरा मेरे यार वे। व्हाट्सअप लवली पीपल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज रंजन की शादी है और माहौल बिल्कुल ही एनर्जेटिक हो रखा है क्योंकि गेस्ट लोग आ चुके हैं। साउंड बॉक्स वगैरह डीजे एंड ऑल सारा कुछ हमारे दरवाजे पे आ गया है। रंजन फिलहाल गया है थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करने के लिए एंड हम लोग भी ऑलमोस्ट रेडी नहीं है अभी, या तैयारियां कर रहे थे एंड कुछ देर और होते ही हम लोग भी तैयार हो जाएंगे और चलेंगे बारात में सम्मिलित होके शादी करवाने के लिए। देखा जाए कि यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है शादी के घर में। सभी अपने अपने व्यस्त हैं, सारा काम किया जा रहा है। हेलो करो, हेलो टाटा करो। कुछ नहीं सर, क्या है, क्या है आज बोलो, क्या है, है? किसकी शादी है, नाम क्या है छोटे मामा का, है रंजन। किससे हो रहा है, किससे हो रहा है शादी, मामी जी से शादी हो रहा है, सिंपल सवाल। भाई हो गई हमारी तैयारी, मैं हो चुका हूँ रेडी और विपुल जी भी हो चुके हैं रेडी। दोनों हम लोग लग रहे हैं सुपर से भी ऊपर। लोग भी हो रहे तैयार, सभी तैयारियां चल रही हैं। अब यहाँ से फटाक से निकलेंगे और देखते हैं कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, सामियाने में क्या हो चल रहा है, तैयारियां बिल्कुल लास्ट पे आई है या नहीं आई, सब निकलने के लिए तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेट्स सी। क्या पुनीत तैयार हो गए शादी में जाने को, हो गए तैयार? साउंड आपको आ नहीं रही होगी क्योंकि पीछे गाना बज रहा है और जो रीति रिवाज होता है वो अभी ऑन गोइंग है और मैलेटीज जो भी कंप्लीट करनी होती है बारात निकलने से पहले वो किया जा रहा है एंड थोड़ी देर में बस बारात निकलने वाली है। अभी 7:30 बज रहे हैं एंड 8 बजे तक मेरे ख्याल से बारात निकल जाएगी। रंजन भी तैयार हो गया और आने वाला है। भाई हमारा रेडी हो चुका है बारात चलने के लिए। मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा नहीं पा रहा है। चल फटाफट सर आप लाइन में जल्दी। तो भाई बारात निकल चुकी है और हम जो बैठे हुए हैं रंजन के साथ और भाई मेरा तैयार होके बिल्कुल रेडी है ब्याहने के लिए। ब्याह कर लोगे आज? इसका कटने वाला, ये भी कट डाउन हो गया आज। 4 घंटे के बाद इसका मैरिटल स्टेटस जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी सिंगल लिखता था और अब लिखेगा मैरिड। तो भाई कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है तुमको अभी? बहुत अमेजिंग फीलिंग हो रहा है और लेकिन डिफरेंट सा हो रहा है बिल्कुल, है ना, नेवर बिफोर वाली फीलिंग। ऐसा लग रहा है कि मतलब मिक्स्ड फीलिंग होता है। हां अभी तो मिक्स्ड फीलिंग हो रहा है वैसे। धीरे-धीरे जैसे टाइम आएगा वैसे सिचुएशन एंड फीलिंग थोड़ा चेंज होता जाएगा। हां सिचुएशंस के साथ थोड़ी। आगे हमारे झाजी बैठे हुए हैं। क्या झाजी कहिए, आप ना कहिएगा क्या कहें बताइए। तो यहाँ से आधा घंटा और लगने वाला है और हम लोग गौरव सबके गाड़ी है प्लस के भैंस हो गया। आधे घंटे में हम लोग जहाँ पर शादी होने वाली है वहाँ पहुँच जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, घर से 25 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और हम झाजी और रंजन एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, लड़का वाले गाड़ी में, तो थोड़ा ये भी अच्छा लग रहा है हमको क्योंकि हम बैठे हुए लड़का के साथ, इसको जाने ब्याह करवा देंगे। हम लोग जहाँ शादी होने वाली है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और जस्ट अभी पहुँचे हम लोग। सामने का नज़ारा ऐसा है, ये वहाँ तक बैठाया जाता है, यहीं पे छोड़ दिए, अकेले उठा लिए। स-
साउंड बहुत आ रही होगी क्योंकि शोर शराबा हो रहा है और शादी का माहौल है तो गाना बजाना हो रहा है, तो थोड़ा सा साउंड को इग्नोर करना और मेरी बातें सुनना। अभी हम लोग लड़के वालों ने लड़के को उठा के स्टेज पे बैठाया है और अब जो है शायद जयमाल की रस्म होंगी, उसके बाद मिथिलांचल का जो मेन चीज होता है खाना और पीना वो दिखाया जाएगा और मजा बहुत आएगा भाई क्योंकि खतरनाक होता है, खतरनाक। रिफ्रेशमेंट का जो होता है ना टाइम वो हो गया स्टार्ट एंड रिफ्रेशमेंट इज लाइक गौरव भाई हमारा अमित एंड खोलिए इसको बताइए कैसा है एंड द थिंग इज कि ये सब अवेलेबल है, अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है एंड आई होप कि जो इसका टेस्ट है ना वो भी बहुत बेटर होगा, है ना, क्योंकि मिथिलांचल है तो भाई हर एक चीज़ क्या होता है ना कि परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हेलो पता कृष्ण नगर वार्ड नंबर 22 नियर लाठम चौधरी कॉलेज सहरसा संग आयुष्मान रंजन झा चार्टर्ड अकाउंटेंट जयमाला हो गया और लड़का अब चला गया है अंदर, जितना भी रस्म रिवाज है वह वो स्टार्ट हो गया है आंगन में और बाहर में जो है खाने का प्रक्रिया वो भी स्टार्ट हो चुका है, तो अभी चलेंगे देखते हैं खाना वाने का सीन। शादी का मंडप और भाई का विध व्यवहार सारा स्टार्ट हो चुका है। कन्यादान करे छथिन अपने खाना हो गया स्टार्ट और विपुल मिथिलांचल का खाना का मजा ले रहे हैं। सोनू भैया सुदर्शन भैया अभी खा रहा खाना और खजाना मजा आ रहा है मिथिलांचल का खाना खाने में बहुत ज्यादा। मामा बहुत बढ़िया खाना का जो पार्ट था वो हो गया कंप्लीट और खाना बहुत A1 था और खाना के बाद जो क्या है मिथिलांचल में सबसे जो नामी कह सकते हैं या हाँ उसको पान कहते हैं, ठीक है, तो पान यहाँ ढेर सारा है, ये देखो पान का व्यवस्था है। वैसे मैं जनरली पान खाता नहीं, अवॉइड करना चाहिए, अगर मिथिलांचल आए हो आप तो खाने के बाद तो ये कंपलसरी है पान मखान और माछ।
ये मिथिलांचल की पहचान है और पान जब आप खाते हैं तो ये आपका जो खाना आप खाए हैं उसके लिए भी वो पाचन सही रहता है। तो ये है ट्रेडिशन हमारे मिथिलांचल का।